ओम श्री गणेशाय नमः। माय डियर फ्रेंड्स, तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं यही सोचती हूँ कि आप हमेशा ठीक हों, ये वीडियो आपको अच्छे टाइम पे मिली हो और आप इस वीडियो का वेट कर रहे हों। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके फेवरेट टॉपिक करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर पे बनाएंगे। करंट फीलिंग्स, उनकी इंटेंशंस, उनके एक्शंस और आपको क्या कहना चाहते हैं डिवाइन, ऐसी पूरी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग होगी आपके साइन की, जो कि आप सन साइन, मून साइन या अपनी नाम राशि के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। जिसको जिस हिसाब से समझ आती है, जिस हिसाब से मैच करती है, कोई अपने ऊपर फोर्स नहीं करना होता कि ये मुझसे क्यों नहीं मैच कर रही, मुझसे ये साइन मैच नहीं कर रहा, मुझसे वो। अगर आप अपनी कुंडली के हिसाब से देखना चाहते हैं तो वैसे, अगर इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखना चाहते हैं तो वैसे, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। जितने भी लोगों ने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे ज्वाइन किया है, आई वेलकम यू ऑल। प्लीज़ मेरे चैनल पे आए हैं, वीडियोस को देखें तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। माय डियर फ्रेंड्स, आपकी लॉयल्टी मेरे लिए बहुत मैटर करती है। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रा में आप खूब पूजा पाठ करें, माता रानी का पर आशीर्वाद बना रहे और आप सब बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, ठीक है। सो इसी अच्छे और पॉजिटिव नोट पर हम जल्दी से फ्रेंड्स इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, चलिए। सो जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, आइए देखते हैं फ्रेंड्स की आपके पार्टनर की क्या है करंट एनर्जीज, क्या फीलिंग्स हैं उनकी, क्या इंटेंशंस हैं इस रिश्ते को लेकर और क्या एक्शन लेंगे वो, ठीक है। सो सबसे पहला मैं उनकी करंट फीलिंग्स निकालती हूँ, क्या फीलिंग्स हैं जेमिनी के पार्टनर की। थ्री ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। देखिए, मुझे जो चीज़ बहुत क्लियर नज़र आ रही है वो ये आई है कि बहुत सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पेन है या बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो गई है या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है आपका पार्टनर। देखिए, आपके पार्टनर या तो इसलिए परेशान हुए हैं कि आपकी तरफ से आपने कोई थर्ड पार्टी दी है, या फिर इनकी तरफ से इन्होंने ऐड किया है, या कोई पर्सन, कोई झगड़ा वगड़ा आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा रिसेंटली हुआ है कि वो बात इतनी बढ़ गई कि मतलब दूरियाँ आ गई और घर परिवार भी हिल गया और सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो गई। जबकि इन्हें ऐसा लगता है कि या तो ये बहुत लॉयल हैं या आप बहुत लॉयल हो, तो आप या फिर दोनों लॉयल हो, हर एक की सिचुएशन अलग है तो आप सिचुएशन के हिसाब से ही लीजिएगा। सो मुझे एक चीज़ जो बहुत क्लियरली दिख रही है वो ये है कि इन्हें ऐसा लगता है कि इतनी लॉयल्टी, इतना गिविंग होने के बाद, इतना सेक्रीफाइस करने के बाद भी चीज़ें उस हिसाब से ख़राब हो गई और इतना पेन मिल रहा है और समझ में नहीं आ रहा और क्लैरिटी नहीं आ रही, कुछ इस तरह से मुझे इनकी एनर्जीज दिख रही हैं। तो अभी अगर आप मुझसे पूछें तो ये क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा मन में ना, दिमाग में 2500 बातें चल रही हैं इनके कि मुझे क्या करना चाहिए एग्जैक्टली और किस तरह से मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा तो क्या होगा, कैसे होगा। सो ये सब पूरा प्रोसेस चल रहा है, बट फिलहाल ये जो भी हुआ है उसको पहले हजम करके आगे बढ़ने के लिए, या लोगों से अपने, जैसे कोई बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, कुछ होते हैं, हम उनसे डिस्कस करते हैं ना कि जाकर बात करते हैं, अपनी फैमिली से बात करते हैं। सो वो मुझे नज़र आ रहा है कि ये कुछ डिस्कशन में है या कुछ इस तरीके की बातचीत में है। रिश्ते को लेके इनकी क्या इंटेंशंस हैं वो देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड टेन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, सॉरी। देखिए, रिश्ते को लेके तो मुझे ये ऐसा दिख रहा है, जिस भी जेमिनी के पार्टनर की आई है, इंटेंशन इनकी अच्छी है, इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा लव करते हैं और इस सिचुएशन में भी आप दोनों के बीच में लव है
और अभी शायद भले ही ये तूफानों से गुजर रहा हो ये पूरा प्रोसेस आप दोनों के बीच में, बट आने वाले समय में आप दोनों का रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये अपनी तरफ से पॉजिटिव है, इनकी जो थॉट प्रोसेस है, इनकी जो सोच है वो पॉजिटिव है। इन्हें लगता है कि शांत रह, जब अगर ये शांत रहेंगे और चुप रहेंगे और ज़्यादा ड्रामा नहीं क्रिएट होगा इस पूरी कहानी में, तो चीज़ें बदल जाएंगी और चीज़ें इनके और आपके हक में होंगी। बट अभी शायद इन्हें ये बहुत क्लियरली लगता है कि अभी ज़्यादा उछल के या शोर मचा के कोई फ़ायदा नहीं है, चुप हो जाओ, आने वाले टाइम में हमारा रिकन्सिलिएशन हो जाएगा। सो आपके पार्टनर को ये दिखता है। हम देखते हैं क्या ये इस रिकन्सिलिएशन के लिए कोई एक्शन लेंगे या कुछ अपनी तरफ से आने वाले दिनों में। सो हम उसके कार्ड्स निकालते हैं। सो क्या कुछ भी एक्शन लेंगे जेमिनी राशि के पार्टनर, कुछ एक्शन लेंगे। सो ये कार्ड अपने आप आया है, आई विल टेक इट। क्या है, वेरी गुड, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है, अमेजिंग। देखिए मुझे बहुत बहुत अच्छी रीडिंग आई है और बहुत क्लियरली मैं बोलती हूँ जेमिनी आपके लिए कि हाँ यस, पार्टनर अपनी तरफ से रिकन्सिलिएशन करना चाहेंगे। अगर घर परिवार में आपके बीच में इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम आया था, ये उसे रिजॉल्व करना चाहते हैं पर ऑन क्लियर टर्म्स, बिल्कुल भी छल कपट, बिल्कुल भी कलेश, बिल्कुल भी वो नहीं। इन्हें रिजल्ट चाहिए, इन्हें सॉर्ट आउट करना है, इन्हें आपके साथ बैठ के एकदम क्लियर बात करनी है। और एफर्ट की जहाँ तक बात है, हो सकता है अगले 7 से 10 दिनों में ये आपको कांटेक्ट करें, आपसे बात करें किसी तरह से कि यस। देखिए टू ऑफ कप्स, इनके मन में आपके लिए बहुत लव है और आपके मन में भी होगा, ऐसा नहीं होता कि वन साइडेड होता है कुछ भी। सो इन्हें लगता है कि ये रिजॉल्व कर सकते हैं, चीज़ों को संभाल सकते हैं और अब ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे क्लियरली। बट ये कुछ चीज़ें, कुछ शर्तें आपसे रखेंगे कि जो शायद आपसे गलत हुई हैं या इनसे हुई गलत हुई हैं, कि वो चीज़ें अब आगे दोबारा दोहराई ना जाएं या उन चीज़ों पर डिस्कशन ना हो आगे चल के। सो सबसे अच्छी अगर मुझे रीडिंग अगर आई है तो जेमिनी की ही आई है, जिनके पार्टनर क्लियर कट उनसे रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। सो देखते हैं क्या है डिवाइन गाइडेंस जेमिनी आपके लिए। आई एम सो सॉरी, एकदम ही उछल गए कार्ड्स। क्या है डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। सो डिवाइन गाइडेंस फॉर जेमिनी, क्या करना चाहिए जेमिनी को। जेमिनी इसे एक जर्नी की तरह ले, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लाइफ में क्या हुआ आगे क्या होगा। बहुत ज़्यादा हम जनरली हम सभी ये चीज़ों में फंसे रहते हैं। सो आपको भी डिवाइन यही कह रहे हैं कि ज़्यादा स्ट्रेस में रहने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा मतलब इसे लाइटली लीजिए। लाइफ इज़ अ जर्नी, ठीक है, और जो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, जो भी लर्निंग्स मिल रही हैं, चीज़ें मिल रही हैं, उसे सीखें और आगे बढ़ें और पूरे शिद्दत से और दिल से इसे निभाएं, ठीक है। अगला है विजडम का कार्ड, तो अपनी इंटरनल वॉइस को सुने, अपनी खुद की आवाज़ को जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे वो एक गाइडिंग लाइट की तरह आपको आपका आगे का रास्ता दिखा रहे हैं। सो आपको वो सद्बुद्धि, वो क्लैरिटी तभी मिलेगी जब आपको पता चलेगा। एंड अगेन नेक्स्ट भी वही है, एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। तो जो भी भगवान आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपको बताना चाहते हैं, वो यही है कि आप अपनी सद्बुद्धि का ध्यान से चलें और सही रास्ते पे चलें, ठीक है, और अपनी इंटरनल वॉइस सुने, जो अंदर से आवाज़ आ रही है ना उसे सुने बस, ठीक है। सो ये है जेमिनी आपकी रीडिंग फ्रेंड्स, होप आपको इससे क्लैरिटी मिली हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर करना अगर आपको रीडिंग क्लियर हुई हो और समझ आई हो अच्छे से। तो प्लीज़ पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ अगली रीडिंग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।